नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। अक्सर देखा जाता है कि दांपत्य जीवन में सुख में रहे या फिर उसमें कलह क्लेश रहती है, तो किस परिस्थितियों के कारण आपके जीवन में ये समस्याएं रहती हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि पुरुष अच्छी पत्नी और गुणवान पत्नी की कल्पना करता है और पत्नी एक धनवान पति की कल्पना करती है और आपका हम सफर उस अनुकूल परिस्थितियों के साथ ना मिले, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाती है और एक दूसरे के बीच में हमेशा कलेश रहती है और हमेशा स्वास्थ्य खराब भी रहता है। आज जानते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब आपके विवाह योग संपन्न होते हैं और सूर्य भगवान सातवें स्थान पर स्थित हो, तो उस समय पर पत्नी बहुत ज्यादा चाहती है कि पति और पत्नी में हमेशा सामंजस्य बना रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बहुत अच्छी गुणवान पत्नी मिलती है और वह हर परिस्थिति से अच्छे रहते हैं, जिससे कि उनको दिक्कत नहीं होती है। और देखा जाए पुरुष को भी, यदि वह ज्यादा उत्सुक रहते हैं और उनकी कुंडली में योग सातवें स्थान पर सूर्य हैं, तो पत्नी के योग से भी उन्हें सारी संपन्नता मिलती है। नंबर दो, यदि आपकी कुंडली में पहला, चौथा, सातवां और बारहवें स्थान पर यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं लेकर आ सकते हैं। आपके विवाह में कलेश रहेगा, लड़ाई रहेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और इसकी वजह से आपके हम सफर के मृत्यु होने तक की भी निश्चितता रहती है। यदि आप चाहते हैं कि इस मंगल ग्रह को शांत किया जाए, तो उस दिन आप अपने किसी भी पास के मंदिर जाके हनुमान को सिंदूर अर्पित कीजिए। राहु और केतु दोनों ही शनि के प्रकोप माने जाते हैं। यदि आपके कुंडली में ये राहु और केतु दोनों ही विराजमान हैं, तो समझ लीजिए कि आपके विवाह में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है या फिर आपकी शादी में होते होते भी टूट जाती है या फिर बाधाएं आती रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी शादी समय से नहीं हो पाती और शनिदेव इस दशा को और भी ज्यादा प्रवक्ता बना देते हैं। यदि आप शादी कर रहे हैं, शादी का विवाह योग देख रहे हैं, तो अपनी कुंडली का मेल मिलाप करना जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और गुरु की स्थिति सामान्य है और अच्छी जगह पर है, तो समझ लीजिए कि आपके विवाह में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा अपनी कुंडली में यह चीजें जरूर देखना होता है कि आपके गुरु और सूर्य की स्थिति क्या है। यदि गुरु और सूर्य की स्थिति सामान्य है और सही स्थान पर है, तो समझ लीजिए कि आपके विवाह में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे जो बड़े होते हैं, वह कुंडली का मेल मिलाप जरूर करते हैं, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी खुशहाल रहे, कोई भी परेशानी ना रहे। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।